प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा जय यीशु। जैसे ही मुर्गा ने बांग दी, मीनू उड़कर अपने दैनिक कार्यों में लग गए, क्योंकि आज उसके मालिक के खास मेहमान आने वाला है, जिनके लिए दोपहर के खाना तैयार करना है। जल्दीबाजी में मीनू का हाथ भी थोड़ा सा कट गया, पर भी क्या कर सकती, पट्टी बांधकर अपने कामों में और लग गए। दोपहर होने के पहले ही खाना सब हो गया और अच्छा अच्छा बर्तनों में रखकर टेबल सजाए। सभी मेहमान आए और खाने को खूब तारीफ मालिक को कर दिया और धन्यवाद बोलकर चले गए। मेहमान जाने के बाद मीनू ने सारी साफ सफाई कर दी और अपने कर्तव्यों में आगे लग गए। एक केवल आज की बात नहीं है, ये सदियों से ही निरंतर चलते आ रहा है। इन मीनू जैसे लोगों को जानने वाला कोई नहीं है, जो कि ये लोग ही पर्दे के पीछे होकर सारे कार्यों को और घर की मान मर्यादा को सम्मान करते हैं। जैसे 2000 साल पहले एक घटना हुई, यूसुफ और मरियम अपने इकलौते बेटे को जन्म देने दर दर भटकते रहे और अंत में एक परिवार ने अपने गौशाले में ठहरने के लिए जगह दिया, जहां प्रभु का जन्म हुआ, जिसे हम क्रिसमस पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसके बाद उस परिवार के लोगों को किसी ने कुछ पूछा तक नहीं, क्योंकि हमें अपना मुक्तिदाता मिल चुका है। प्रभु यीशु का पहला चमत्कार काना के विवाह भोज में हुआ था। एक अनजान व्यक्ति की बात सुनकर सेवक बातों को मानते हैं और मड़के में लबालब पानी भर देते हैं और वहां के प्रधान को देते हैं। परंतु वह चमत्कार कैसे हुआ, किसने किया, एक किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका काम हो चुका था। ठीक इसी प्रकार से यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाए, परंतु उस समय जो 5 रोटी और 2 मछली लाया, उस व्यक्ति को, उस बालक को कोई भी पूछने वाला नहीं। लाजरस को यीशु ने मृत्यु से जीवन दिया। यीशु की बात मानकर गुफा के पत्थर को हटाने वाले व्यक्तियों को कोई नहीं जानता। भी क्रिसमस की तैयारी बड़े ही जोर शोर से कर रहे हैं। क्रिसमस का पर्व हमें नर्मदा में बड़ा पाठ सिखाता है। प्रभु यीशु इस संसार के मुक्तिदाता, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा थे, फिर भी वे इतने नम्र बने। उन्होंने अपना स्वर्गवास छोड़ा, इस धरती पर जन्म लिया और क्रूस मरण के लिए भी वो चुपचाप हाँ कर दिया। वो बहुत बार नहीं के बराबर हुए तो हमें मुक्ति ला सके। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें दूसरों को बढ़ाने के लिए कदम होना पड़ेगा। आज हम इस बेतलहम जर्नी में जलते प्रकाश देते हुए कदम होने वाला मोमबत्ती के बारे में थोड़ा सा मनन करें। मोमबत्ती कुछ जलकर सारे जगह को प्रकाशित करती है। वे अपने में अंदर ही अंदर छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। प्रकाश फैलाते फैलाते एक समय ऐसा भी होता है, मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल कर ना के बराबर होती है।
पर वो अपने प्रकाश फैलाने वाला काम में कोई कमी नहीं लाती। वो एकदम खुशी से सारे जगह को प्रकाशित करने में लगे रहते हैं। हमें भी इसी प्रकार होना है, यही है क्रिसमस का संदेश। अपने आप कदम करके दूसरों को जीवन प्रदान करने के लिए तैयार होना है। एक और बार आप सबों को मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।